हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि हमें गैस चूल्हे का बर्नर कैसे लगाना है। दोस्तों, अगर हमारा एमटी पाइप टूट जाता है तो हम उसको कैसे लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और समझते भी रहिए। और मैं यही बताऊंगा ये एमटी पाइप कितने का आ जाता है। दोस्तों, मार्केट से लाएंगे आपको कितने का मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ जाली इस तरह से टूट गई है, जो कस्टमर ने निकालने की कोशिश की थी वो नहीं निकाल पाए, बल्कि ये साइड से देखो आप टूट भी गया है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, ये एमटी पाइप बिल्कुल ही बेकार हो गया है, इस पर जाली लगाने से साइडों से गैस निकल रही है। अब हमें नया वाला कैसे लगाना है, देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, ये नया वाला है मेरे पास में, इसको लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये पुराना वाला है जो मैंने इसको पुराने वाले को हटा दिया है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पर दोस्तों प्रेस कर दें। ये देखिए, यहाँ पर एक नट होता है दोस्तों, ये ढीला हो गया है थोड़ा, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, इसको टाइट करने के बाद में हमें इस तरह से कुछ इसको फंसा देना है। देखिए, आप ध्यान से देखते रहेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ये इसकी एक वार्शल थी यहाँ पर दोस्तों, वार्शल लगाने के बाद में हमें इसको लगा के यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से टाइट हो गया है। अब मैं आप लोगों को जला के भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जला के भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, नए के जैसा चलने लग गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।